क्यों बनाई है ठकुराइन देवी? इसे पीकर तो देखिए सर दर्द में तुरंत आराम हो जाएगा। इसकी शक्ल इतनी गंदी है, पता नहीं इसमें क्या क्या डाला होगा। बड़ी फायदेमंद जड़ी बूटियों से मिलाकर बनाया गया है। एक घूंट पीछे तो कह रही हो तो पी लेते हैं। अरे क्या हुआ? काढ़ा है, काढ़ा नहीं, नाली का पानी लग रहा है ये। हमें जो बना कर दिया गया हम तो वही लेकर आए ना। किसने दिया तुम्हें ये? रीवा ठकुराइन देवी ने। उसका बस चले ना तो हमें जहर भी पिला देगी। भी बुलाते हैं। रीवा, रीवा, क्या हुआ? आपने काढ़ा नहीं पिया अभी तक? काढ़ा तो पी लिया, उसके बारे में हम तुम्हें बाद में बताएंगे। पहले ना तुम एक काम करो, जरा किचन में जाओ और जाके वो सारी जड़ी बूटियां लेके आ जाओ। हम चाहते हैं कि तुम हमारे सामने काढ़ा बनाओ। जरा हम भी तो देखें तुम काढ़े को कैसे बनाती हो और क्या क्या डालती हो। हमारे ख्याल से तुम्हें समझ में आ गया होगा कि हमने तुमसे क्या कहा। वो सब तो एक्सपायरी डेट वाले मसाले थे, अब जड़ी बूटियां कहां से लाए हम? तुम यही खड़ी हो अभी तक? चलो सूखे आंवले का पाउडर ये डाला। ये तो मुझे खुद नहीं पता किसका पाउडर है। इसमें काला नमक मिलाते हैं। ये काली मिर्च। 10 साल पुराना है ये जामफल। सब सड़े पुराने मसाले। ये दालचीनी। ये तुलसी और नीम के पत्ते और अदरक। ये सब मिलाकर हम आते। हाँ, इसकी तो खुशबू से ही आधे रोग मिट जाए। ये पी लो। रीवा, एक खाली ग्लास और मिलेगा हमें? हाँ अभी लाए। बैठो ना रीवा। ये लो पकड़ो। आज ना हम देवरानी जेठानी दोनों मिलके ये काढ़ा पियेंगे। हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है, हम तो एकदम ठीक है। कैसी बात कर रही हो रीवा तुम? कभी तुमने अपनी शक्ल देखी है? पहले कैसे लगती थी, अब तो तुम्हारी शक्ल की पूरी रंगत ही उड़ गई है। और तुम कितनी कमजोर हो गई है। आजकल तुम हमारी सेवा जो कर रही हो तो हमने सोचा तुम्हें भी ताकत की जरूरत है, तो हम दोनों साथ में पियेंगे। चलो चलो, पियो पियो पियो, हम भी पी रहे हैं। अरे पी लो बाबा। टेस्टी था ना? कितना अच्छा लग रहा है अब हमें, हमारा सरदर्द सच में चला गया। तुम्हें भी अच्छा लग रहा है ना? बंटी, किसी भी तरह से हमको आज ही इस काम को अंजाम देना होगा।
तुम चुलबुल पे नजर रखना, हम अभी आते हैं। अम्मा के पास जाके सोते हैं। अम्मा कहाँ चली गई? सारी कुंडिया तो अंदर से बंद है, मतलब अम्मा घर तो आ गई है, रहे कहाँ? अम्मा
दिमाग चार दिया हमारा फोन करने का, उन्हों काम ही नहीं इन लोगों को। चूहे बुली कहाँ चली गई यार? अभी अम्मा ना हमें मुर्गा बना देगी। चुलबुली कहाँ ढूंढे तुझे? चुलबुली डर को डरा रहे हैं सर, हमारे बहरा चेहरा देखकर हमारे डर भाग गए, तो उसका उत्पत्ति हो रही है, पकड़े तो क्या होगा नगरिया? सोच क्या तेरे करने में, ये सब सोचने ना आए, जो करने आए हैं ना उसके बारे में सोचो। क्या करने आए? तिजोरी ढूंढो, माल निकालो और निकलो यहाँ से। ढूंढो तो जरा, तिजोरी उसका पैर हमारे पैर पे, तो क्या करेंगे, नाचेंगे? दुनिया का बहुत मदद हो है, बरसात नहीं होता तुमसे। तिजोरी, अरे वाह, खोलो। अरे तिजोरी का तिजोरा है ससुरा, मुझे ही सोना है। तो पाली माल, माली माल। ना पालो ना, हम दिखाते चलो। अरे बुद्धि आदमी, आप कह रहे हो है? तो औरतों से भी क्या गुजरे हो? पर तुम हो ना, हाँ खोल के दिखा ला, खोल। सीता मैया, यही चाबियां हैं, ठीक से तो निकाले थे ना? ऐसा हमारे के लिए, तुम्हारे के लिए ना, कुछ फर्क है क्या? अरे हम ये पूछ रहे हैं, कोई और चाबियों का पूछा तो बताओ उनके पास। अरे खोल ना जल्दी। ओपो चुप 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 पता नहीं कहाँ चले जाता है। हुक्को हुक्को हुक्को, खड़े हो पहले, पहले जल्दी खड़े हो जाओ तुम। इसी देख कहाँ चले जाते हो तुम, हाँ क्या कर रहे थे हुकुम तुम नीचे? हाँ अरे हम पूरी हवेली छाना है, कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। पहले पहले ये बात का जवाब दो कि तुम क्या कर रहे थे नीचे लेट के। हाँ हम अभ्यास कर रहे थे। अभ्यास? किस चीज का अभ्यास कर रहे थे तुम? हम हाँ लोटांगन का अभ्यास कर रहे थे, कि भगवान के सामने, भगवान के मंदिर के सामने ऐसा लोटांगन कर करके घूम कर हम भगवान का ना शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि शुक्रिया भगवान। हुक्कू तुम किस चीज का शुक्रिया अदा कर रहे थे? यही कि इस हुक्कू के जीवन में आपको भेजकर भगवान ने चार चांद लगा दिए उसके जीवन में, इतना बड़ा उपकार किया है, इसलिए हाथ जोड़कर माथा टेककर कछु ना होने वाला, इसलिए हम लोटांगन का अभ्यास कर रहे थे। सच्ची हुक्कू हमसे इतना प्यार करने लगे, ये तो पता ही नहीं था। प्यार, हम तो अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते हैं तुमको सुमो। हमारा मतलब है कि सुमन ठकुराए देवी। अरे क्या किया हमने, प्यार के लिए क्या उखाड़ा घंटा,
अरे हम तो आपकी वो वाली मंशा भी नहीं पूरी कर पाए। अरे तू है हमारे जीवन पर क्या अर्थ रहा है जीवन का कछु नहीं। बस 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 अब बंद करो रोना। क्या बच्चों की तरह रो रहे हो तुम? हाँ मालूम है आपको मैं तो हमसे प्यार करती हूँ। इतना प्यार करने लगोगे ये नहीं मालूम था। अब देखो ना हम दोनों कोशिश तो कर रहे हैं ना तो बहुत जल्दी हमारी वो मंशा भी पूरी हो जाएगी समझे ना। तुम प्यार करते हो ना और सुनो आइंदे से ना तुम अकेले में हमें सुम्मो बोल सकते हो समझे। सुम्मो अब रोना बंद करो और चलो 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 तो हमेशा बंद रहता है आज ये कैसे खुला है? कर रही हूँ पर तुम्हें आने की जरूरत क्या पड़ी? हाँ तुम तो सो रही थी ना रूम में। हम अम्मा को ढूंढ रहे थे। और वैसे दरवाजा क्यों खुला? ये तो हमेशा बंद रहता है। अरे तुम्हें क्या करना है? दरवाजा खुला है का बंद है? हाँ ऊपर कमरे की साफ सफाई चालू है ना? किसी ने कुछ सामान रखने के लिए खोल दिया होगा, खुला रह गया होगा। तुम अपने कमरे में जाओ। हाँ हमें तुम्हारी बात पर यकीन। हमें ये बात नहीं समझ में आ रही कि तुम्हें ये बात समझने की क्या जरूरत है। हाँ तुम जाओ ना अपने कमरे में जाके सो जाओ ना। अरे लेकिन अम्मा है कहाँ? अम्मा अपने कमरे में होनी चाहिए और क्या। हम पूरा घर ढूंढ चुके हैं। चुलबुली तुम अम्मा को कली के कमरे में देखे क्या? नहीं। अरे वो कहाँ है ना कली की बेटी है ना हर रोज अंधेरे में सुबह सुबह उठ के बैठ जाती है। अब अम्मा जब तक कमरे में जाके उनकी बेटी को ना सुलाए ना तब तक उन्हें नींद भी नहीं आती। हाँ तुम एक काम करो तुम अपने कमरे में जाके सो जाओ हम अम्मा को भिजवा देंगे। हाँ अम्मा को बोलना कि अभी हम उनके कमरे में सो रहे हैं। ठीक है। हे भगवान कौन मुसीबत में फंसाया? उसको कमरे से बाहर कैसे आने दिया? अरे नहीं अम्मा हमें फोन आया था 2 मिनट बाहर के वहां से चली गई। तुम भरत मेरे से पूछ तुम समय की गंभीरता को कभी समझोगे या नहीं? अगर वो आ जाती ना तो अनर्थ हो जाता। अपने एक बात ध्यान से सुन लो जब तक ये दरवाजा बंद है तब तक ये कमरे का राज राज है और जिस दिन ये दरवाजा खुला ना सब राज झटके से भू हो जाएगा। अरे अम्मा काहे चिंतित हो रही है? ऐसा हर किस नहीं होगा कभी नहीं होगा। भगवान करे ऐसा ना हो। अगर ऐसा हुआ ना तो हम कहीं के नहीं रहे।